Now children, let's move on to chapter number 19 and the name is General Election 2024. So, abhi hi gaya hai General Election 2024. Let's learn what all happened there. So, the General Election of 2024 is a watershed moment in our nation's democratic landscape. Hamare jo nation ka jo democratic landscape tha, usme ye ek bahut hi bada movement tha. Embodying the sense of citizen participation and the power of collective decision making. ये क्या बताता है? Citizens के participation को बताता है और collective decision making क्या होती है इसे भी focus करता है. This quadrennial event is not merely of our democratic framework. ये जो event है ना सिर्फ हमारे democratic फ्रेमवर्क का एक इवेंट है वेयर एवरी एलिजिबल वोटर एक्सरसाइजेज देयर राइट टू चूज लीडर, जहाँ पे हर एक वोटर जाता है उसके पास जो राइट है अपने लीडर को चूज करने का उसको यूज़ करता है. हु विल रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट गिवन फॉर द कंट्री. तो लोग क्या करते हैं अपने वोटिंग राइट का यूज़ करते हैं और अपने डिजायर्ड कैंडिडेट को वो सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं. Here are some important facts about the general election. Here are some important facts about the general election 2024 Lok Sabha. तो चलिए कुछ important facts दिए गए हैं उसे पढ़ते हैं. So first one is after 20 years Congress won the Allahabad Lok Sabha constituency again. 20 साल के बाद Congress ने अलाहाबाद की जो सीट थी लोकसभा सीट थी उसे जीत ली थी. द ग्रैंड ओल्ड पार्टीज लास्ट एमपी फ्रॉम अलाहाबाद वॉज द एंग्री यंग मैन एंड ट्वीट नंबरिंग एंथुसियास्ट अमिताभ बच्चन. सो यहाँ के जो एमपी थे वो कौन था? एंग्री यंग मैन के नाम से जाने वाले अमिताभ बच्चन थे. समाजवादी पार्टी हैड इट्स बेस्ट लोकसभा पोल एवर विथ 37 सीट्स एंड इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट. समाजवादी पार्टी जो है वो बेस्ट साबित हुई इस लोकसभा इलेक्शन में जिसमें उसे 37 सीट्स मिली थी और ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में. BJP managed only 33 seats in 2024 in Uttar Pradesh. BJP ko 33 seats hi mili thi Uttar Pradesh mein. 13 union ministers lost in 2024 Lok Sabha election. 13 union ministers ko haar ka samna karna pada 2024 Lok Sabha elections mein. BJP won at least वन लोकसभा सीट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. बीजेपी को हर एक स्टेट में एक लोकसभा सीट जरूर मिली थी एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु इन 2024. तमिलनाडु में से एक भी सीट नहीं मिली. टू इंडिविजुअल्स इन जेल फॉर टेरर चार्ज हैव वन देयर सीट्स. दो लोग जो जेल में हैं टेरर फैलाने के लिए जिन्हें जेल में डाला गया है ऐसे दो लोगों ने भी सीट्स जीत ली. इन पंजाब अमृतपाल सिंह वोन फ्रॉम खरदूर साहिब. पंजाब में अमृतपाल सिंह जो है जीते थे खरदूर साहब से. इन बारामूला जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद ऑल्सो बीट हिज क्लोजेस्ट राइवल. और जम्मू कश्मीर के बारामूला में शेख अब्दुल ने भी जीत लगाई थी. सेवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वन इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन. सो सेवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी जीता था लोकसभा का ये इलेक्शन. BSP फेल्ड टू विन अ सिंगल सीट इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन. BSP को एक भी सीट नहीं मिली, एक भी सीट उसने नहीं जीती इस इलेक्शन में. डिस्पाइट कंटेस्टिंग 424 सीट्स गेटिंग 2.04% वोट्स नेशनली एंड 9.3
39% वोट्स इन उत्तर प्रदेश। तो बीएसपी ने लड़ाई की थी 424 सीट्स के लिए, जिसमें से उन्हें पूरी नेशन में 2.04% वोट मिले और 9.39% वोट मिले उत्तर प्रदेश में। सेवेंथ वन, बीजेपी हैज हैड मैनेज्ड टू विन 77 ऑफ द रिजर्व्ड सीट्स इन 2019। सो 2019 में बीजेपी ने 77 रिजर्व सीट्स जीती थी, बट ओनली मैनेज टू विन 32 इन 2024। लेकिन 2024 में इसे सिर्फ 32 सीट्स मिली। द बीजेपी मैनेज टू विन इट्स फर्स्ट सीट इन केरल। बीजेपी को अपनी पहली सीट केरल में मिली। ऑफ द 19 सीट्स इन यूनियन टेरिटरीज बीजेपी मैनेज टू विन 12 सीट्स। तो 19 में से 12 सीट्स जो यूनियन टेरिटरीज की थी वो बीजेपी के पास आई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिलीवर्ड इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस 99 सिंस 2009 व्हेन इट मैनेज्ड टू विन 206 सीट्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसे 99 सीट्स मिली थी 2009 में, इस वक्त उसके पास थी 206 सीट्स। बीजेपी मैनेज्ड टू विन ऑल 10 सीट्स इन द हिली स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। बीजेपी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ के सारे 10 सीट्स मिल चुके थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज पॉलिटिकल करियर पीएम नरेंद्र मोदी विल नॉट हैड अ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट ऑफ असेंबली। पहले टाइम में अपने पॉलिटिकल करियर में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जो थे उन्हें जो है किसी भी सिंगल पार्टी का मेजॉरिटी वोट नहीं मिला। द ओनली टाइम अ सिंगल पार्टी हैज मैनेज्ड 400 पार वॉज इन 1984। सो पहली बार जो आप कह सकते हो सिर्फ एक ही बार इस पार्टी को जो है 400 पार मिला था, और वो कब मिला था 1984 में व्हेन राजीव गांधी वन 414 सीट, जहां पे राजीव गांधी को 440 सीट्स मिली थी। द टू लार्जेस्ट पार्टीज बीजेपी एंड कांग्रेस रिस्पेक्टिवली रिसीव्ड दीज मेनी वोट्स। जो दोनों पार्टीज थी बीजेपी और कांग्रेस उन्हें कुल मिला के इतने वोट्स मिले थे। ओवर 642 मिलियन वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ विच 312 मिलियन वर वुमेन। सो इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से इतनी विमेन पार्टिसिपेंट्स थी। नाउ चेक योर आईक्यू, टेक हेल्प फ्रॉम द नीड हेल्प। सो नीड हेल्प बॉक्स में से आपको क्या करना है, चूज करना आंसर यहाँ दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू फिल इट हियर। सो नाउ योर चिल्ड्रेन द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया इन 1951-52. Next, who was the first Prime Minister of India elected through the general election? So, the person was Pandit Jawahar Lal Nehru. How many general elections has India held since its independence? So there are total 18 general elections. In which year did India transition is using EVMs for general election across the country? कौन से year से जो है EVMs को start किया गया? So it was 2004. And the fifth one is, what is the minimum age required to vote in India's general election? So it is 18 years. 18 years के अगर आप हो जाते हैं उसके बाद ही आप participate कर सकते हैं इंडिया के general elections में. So these were the answers, children. I hope you understood it.